पता नहीं कि जब मैं घर से चला था तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब मेरा जी सा घबरा है, चक्कर सा है, मेरा निकी हो रहा है। पिया जी, हाँ। आपने बहुत ज्यादा लकड़ियां काट ली हैं, आप थक गए हैं, आप एक काम करिए, आप यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठिए, आप आराम कर लो पिया जी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। न सावित्री कि सावित्री मेरे प्राण काट को ले जाना चावस है और मेरी काया में भड़क लाग रही मन चक्कर चावस है। ऐसा मत कहिए पिया जी, आपको कुछ भी नहीं होगा जब तक मैं आपके साथ में हूँ। अरे सावित्री मेरा जी घबरावे, यो सिर गोड्या मैं धर ले, मरती बरिया प्राणपति के लाडा पूरी तर ले, मरती बरिया प्राणपति के लाडा पूरी तर ले। सच्ची कह रहा ना झूठ कती मेरा या तेरे में मोस है, सच्ची कह रहा ना झूठ कती मेरा या तेरे में मोस है। या दुनिया भरी पड़ी से छड़की जने जने में दोस है, देखती होते तेरे लागे तो कुछ जतन बना तेरा बढ़ता दिया हो से, लागे से कुछ जतन बना आख्या में पानी मनाया था सब सास नहीं, सिर में बढ़ते आँख में पानी मनाया था दीप सास नहीं। रईब बता के जतन करे कोई मन सुतरे पास नहीं, बियाबान तक कुटी तलक तेरी उठे तेरे तलाश नहीं, बियाबान तक कुटी तलक कहता है कि सावित्री मुझे मेरे मरने का भय नहीं है,
लेकिन अगर दुख दर्द आता है तो तेरी जवान अवस्था को देख आता है। दुख दर्द आता है मेरे अंधे माँ बाप का आता है, कहीं ऐसा ना हो मेरे मरने के बाद तू मेरे माता पिता को छोड़ दे और उनकी वीरान माटी हो जाए। सावित्री आप बैठे, सावित्री कहती है आप कैसी बात करते हो, अव्वल तो आपको कुछ नहीं होगा और दूसरी बात अगर आपको कुछ हो भी गया आपके माता पिता को अपने माता पिता तक बढ़कर मानूंगी और जब तक सावित्री के तन और बदन में सांस है तब तक मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी। लेकिन सत्यवान को पक्की जर गई कि अब मैं बचूंगा नहीं, सावित्री का हाथ पकड़ लिया और न्यू कह लगा देख हमारा हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म में कुछ कर्म कांड होते हैं अंतिम संस्कार के, मरने के बाद भी बहुत सारे कर्म कांड होते हैं, जब मैं मर जा मेरी चिता को अग्नि मिल जा तो एक काम और करना ना भूलिए। कौन सा काम? एक कोरा सा कढ़वा लेके, एक कोरा सा कढ़वा लेके पिपल के मधरा दिए, पांच सात दिन तड़के उठके गायत्री मंत्र करा दिए, पांच सात दिन तड़के उठके गायत्री मंत्र करा दिए, करके संकल्प गौ माता का, करके संकल्प गौ माता का कथा कीर्तन करा दिए और सुमारी मावस आजा, आज भी मावस है, सुमारी मावस आजा ते मेरे पिंडारे भरा दिए, सुमारी मावस आजा ते मेरे पिंडारे भरा दिए, कहे जाट मेहर सिंह रे हंसते हंसते, जाट मेहर सिंह हंसते हंसते इतनी बात कहके एकदम से सत्यवान फटका खा के नीचे गिर गया। और वह सावित्री, सावित्री ने सत्यवान का सर अपने गोटे बदल लिया। लोगो यम के दूत आए, देखो ये दिखाना होता है आपको तो हंसी आ रही, समझना बात को, एक एक बोल में आपकी ताली मांगूंगा मैं अगर बात में दम हो, सुनिए। अपने गोटे पे सत्यवान का सर कर लिया, यम के दूत प्राण निकालने के लिए आगे बढ़े, सबकी सती सावित्री ने मुंह पाड़ा, मुंह से सबकी अग्नि निकली, यम के दूत डर के भाग गए। उसके बाद कौन आता है? यमराज। यमराज आया, देखना लड़की तो ऐसी भी दुनिया में हुई किस प्रकार अपने पति के तो प्राण बचाती है और के करती है, एक एक बात एक एक बोल सुना मेहरबानो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं ये रागनी एक एक बोल, अगर एक बोल भी आपने छोड़ दिया तो रागनी गाना बजाना बेकार। सुनिए यमराज और सावित्री के सवाल जवाब। यमराज सत्यवान की आत्मा को निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है। रुकिए महाराज, रुकिए। यमराज का हाथ पकड़ने वाली बेटी, क्या मैं तेरे को दिखाई दे रहा हूं? जी महाराज। आज तक ऐसा नहीं हुआ कोई यमराज को देख ले, क्यों देख लिया? निर्जला ग्यारस माता के व्रत के महत्व के कारण देख ले। बोलो ग्यारस माता की। बेटी सावित्री, ये लड़का कौन है तेरा? ये मेरे पति है महाराज। बेटी तू सत की सती है, तूने सपने में भी गैर पुरुष का स्मरण नहीं करा, इस कारण तूने मेरे दर्शन कर लिए, ना तो ये लड़का तो अब मर चुका है, इसकी गिनती की सांस पूरी हो चुकी है। नहीं महाराज, अब ये खाली माटी खोल पड़ी है। नहीं दादो, दुनिया में
जिस प्रकार मनुष्य अपने कपड़े बदलते हैं, ये शरीर आत्माएं बदलती है। मैं इसकी आत्मा को निकाल के अब किसी दूसरे शरीर में प्रविष्ट करूंगा, लेकिन जब तक तू इसके पास बैठी है, तेरे सत की अग्नि मुझे भस्म कर सकती है, मैं तेरे नजदीक नहीं आ सकता। बेटी सावित्री, तू इसके शरीर से अलग हट और मैं इसकी आत्मा को निकाल लू। नहीं महाराज, नहीं, जिद नहीं करा कर। रहन कीजिए महाराज, अभी तो हमारी शादी के पूरे 2 वर्ष हुए महाराज। ये सांसारिक बातें हैं, कौन किसका मामा, कौन किसका फूफा, कौन किसकी मार, कौन किसका बाप, कौन धनी, कौन बहू, ना ये इन बातों को तो तुम जानो। मेरा काम मुझे करने दे, तू तेरा काम कर महाराज। हाँ, रहम कीजिए, मेरे रहम को ना महाराज। मैं कैसे रहूंगी इस दुनिया में अपने पति के बिना महाराज? तेरे जैसी सैकड़ों करोड़ों लड़कियां ऐसी भी हैं, एक दिन सुहागण और दूसरे दिन अभागण। कोई किसी के मरने से दुनिया नहीं रुका करती, लड़ो अलग हद। सावित्री, अपना फर्ज पहचान, अपने पति के ऋण से उऋण होना है। ये लकड़ियां इकट्ठी कर, मुखाग्नि दे, इसके माता पिता को खबर कर, मर चुका है तेरा पति। ये तेरा फर्ज यहां हुआ पूरा, अब सावित्री उल्टी हट जा। उल्टी उल्टी हट जा। नहीं महाराज, शरण दे मुझे मेरे। नहीं, उल्टी हट जा। नहीं, क्यों? क्यों? क्योंकि बिना पति के धर्म राज मेरी है, क्यों कर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी है, क्यों कर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी है, क्यों कर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी, क्यों कर जिंदगी कट जा। रामकिशन गुप्ता जी ने 100 रुपए का आशीर्वाद है, गुप्ता जी का धन्यवाद। बेटी, क्या चाहती है तू? महाराज, आप मेरे पति की प्राण दे दीजिए महाराज, नहीं तो आप मेरे भी प्राण निकाल लीजिए महाराज। मैं इस दुनिया में अपने पति के बिना रह करके क्या करूंगी महाराज। रीति का रक्षित 100 रुपए से मान सम्मान करते। देख, मैं तेरी कदर करता हूँ, पति ने तो फूकन दे, तू छोड़ सुने। इसके बदले तू जो कहेगी मैं दे दूंगा। अच्छा, हाँ, पर इससे अलग हो जाएगा मैं तो महाराज। हाँ, पहले आप मेरे पति के प्राण दे दो। तेरी पति का तो रोड़ा है ये सारा, इन्हें छोड़। अरे क्या चाहती है? अपने पति के प्राण। तेरे काम कर, खड़ी हो जी, और वो गुलाब का फूल खिल रहा है दूर, गुलाब का फूल, खड़ी हो, उसको तोड़ के ला के मुझे दे दे, मैं तेरे पति को इतना जिंदा कर दूंगा। नहीं महाराज, आप मेरे साथ में छल कर रहे हैं। कैसा? ताकि मैं वो गुलाब को फूल तोड़ने के लिए जाऊं और इधर आप मेरे पति के प्राण निकाल ले। अरे बात तो बड़ी चालू है, समझ गई मेरी छल नीति को। बेटी, हाँ? मैं तेरे पति को नहीं दे सकता, और बहुत कुछ दे सकता हूँ, सुन मेरी देखिए। पहली वचनी भरो भगवान में आगे पे सवाल। वचन भरने पड़ेंगे जी महाराज। अगर कोई बात दिल को छू जाती है तो ताली बजा दिया करो, मुझे लगेगा गाना सफल है मेरा। कोई बात
कोई भी बात दिल को छुए तो वचन मांग रही है जी महाराज। ले वचन ले। एक दो तीन जी। सत की सती सावित्री मैं भी तो तेरा ख्याल करूं। जा मौन वस्ता जति पति बिने भले बुरे कर्मों का लेखा ईश्वर के घर छट जा। हे झूठा मोह का जाल जगत में टिकते मेरा हट जा। अब मैं वचनबद्ध हूं। तीन वरदान है तेरे, लेकिन तेरे को कसम है तेरे पति की, किसी भी वरदान में अपने पति को मत मांगना। अगर तूने पति का जिक्र कर दिया एक भी वरदान नहीं दूंगा। बोल मंजूर है कि नहीं? इसको छोड़ और जो तू मांगेगी यमराज वचन देता है तीन के तीन वरदान पूरे करूंगा करूंगा कर। रहम कीजिए महाराज। कोई रहम नहीं हो। अच्छा इसको छोड़ अगर तूने पति को मांगा तो सब की एक राय पानी फिर जाएगा। तो ठीक है महाराज, अगर आप यही चाहते हैं कि मैं अपने पति के प्राण ना मांगू तो ठीक है महाराज, ले दिए वरदान महाराज। वचन दे प्राण दे। बन गई बात। भाई चाय वालो भाई साहब तीन वरदान पूरे हो जाने तो फिर पाछे साहब नहीं तो मरा पड़ा है एक तो मानस एकदम साफ याद है। सुनो बात तो समझना, तीन वरदान कैसे कैसे पूरे हुए। अच्छा लगे तो आशीर्वाद देते रहना। सुनिए आगे करिए। यकीन मेरा दिखे राज मिले हीरे राज मिले और नैने खोल दो वो ससुराने तरही मेरा। तेरा पहला वरदान है जी महाराज। राज मिले आप खोल दो ससुराने तरही तेरा जी। चौंडा राय ने जो राज खोस रखे इसके बाप का वो दुआ दू जी। अरे ससुरे के क्यों सासू की भी आँख खुलवा गए लगे तो खुलवा ही नहीं है। तो जा तेरे पहले वरदान में तुम्हारा छिना हुआ राज दिया और तेरे सास ससुर अंधे उनकी आंखें दी तथास्तु। ठीक है महाराज। ऐसा ही होगा सावित्री जा, ऐसा ही होगा सावित्री देख लिए तू सीन मेरा। बिना पति के श्रीमान बने होगा गति महीन मेरा। बिना पति के श्रीमान बने होगा गति महीन मेरा। जीत उसी की होती है भाई, जीत उसी की होती है जो सबके ऊपर डट जा। मानसिका की कर ली तो कहीं बात नहीं आखिर उनका राज। अब दूसरा मामले सुने।
फिक्र को छोड़ सकती, सोच फिक्र को छोड़ सकती, दिल की चिंता दूर करो। दिखे तो पुत्र हो तो बेटे हो मेरे पिता के, धर्म राज मंजूर करो। चाहती के दो बेटे तेरे बाप पे यानी तेरे दो भाई हो जा। हाँ महाराज। तो सुन बेटी। क्या? दो नहीं, जा मैं तेरे तो बड़ा खुश हूँ, 100 भाई। अच्छा, दो की जगह 100 ले। ज्यादा नहीं हो गए महाराज? बेटी तथास्तु, बस इसने छोड़ बस। नहीं। कि मैं ज्यादा ना, वे भी मरेंगे एक दिन। नहीं महाराज। 100 भाई तेरे हो जाएंगे, खुशी आज भरपूर करो। एक पुत्र हो एक बेटा हो मेरी को किसे चीटिंग कर गया। हाँ। पहले वरदान में तेरे सास ससुर की आंखें उनका राज। जी महाराज। दूसरे वरदान में तेरे पिता के दो नहीं 100 पुत्र, और तीसरे वरदान में तेरे भी एक पुत्र जा व्यक्ति दिया तथास्तु। अच्छा, देता हूँ वरदान सती है, देता हूँ वरदान सती, काया का तेरा दुख हट। देखिए कैसे होगा, कैसे होगा रे पुत्र मेरा जब पति रहेगा। Thank you.
फसाया। दिखनो निधि हेरनो निधि और वारा सिद्धि आती ना बेगाया। काया सब कुछ कर सकती है भक्ति भगवान भजन में पाया। सब कुछ कर सकती है भक्ति भगवान भजन में पाया। जिंदा कर दूं? जी महाराज। काई जिंदा कर दूं उसने? ताली बजा के बता को जिंदा करूं? कर दूं? कर दूं महाराज। एक परीक्षा देनी पड़ेगी यहाँ भी। कैसी परीक्षा? मैं जी मैंने देख लिया सावित्री के 100 बरस की जिंदगी बकाया है, आज से लेकर 100 साल बाद मरेगी तू। अच्छा, अगर तू जी अपनी आधी जिंदगी अपने पति को दान दे दे, 50 साल तू जी लिए 50 साल तेरा धनी जी लेगा। मौज मारो बोल। आधी जिंदगी तेरी दान होगी तब तेरा पति बचेगा, तेरी मर्जी। सुन मांगने दे पहले, 50 साल घने हुए इस पर के 360 मिलेंगे। छोड़ने क्यों दुखी हो रही है? मेरा सजेशन तो ये, बाकी तू दे सोच ले महाराज। हाँ, आप मेरी आधी जिंदगी क्या? अगर आप महाराज मेरी पूरी जिंदगी भी मांगेंगे जब भी मैं अपने पति को दे दूंगी महाराज। ताली बजानी पड़ेगी। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् वन्दनाथ मृत्योर्मोक्ष अमामृता खड़ा करेगा। जिंदा कर दिया। अरे क्या कर रहे हैं? आपने वरदान दिया ना, पुत्र को कर दूँ। अरे मान सिंह ने मन समझाया, मान सिंह ने मन समझाया, जान हरि हर तारक जा। हरि कहे रघुनाथ धर्म तीरा।